अब बात आती है पेनल्टी 222(1) सबसेक्शन 1 की, जिसमें बोला गया है कि कभी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स TDS या TCS कम पे करा हो या नहीं पे करा हो, तो जितना अरियर है उतनी आपको मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। फिर बात आती है पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A की, वो हम समझ चुके हैं अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की। फिर एक आती है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271A। 271A ये बोलता है कि 44AA के अंडर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। अगर आप उसमें फेलियर करते हो तो आपको 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। फिर आता है 271AA, ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो बोला गया है 92D में ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेशन में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को आपको मेंटेन रखना चाहिए। पर अगर आपने वो मेंटेन नहीं रखा है तो उस सिचुएशन में आपको 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन आपको पेनल्टी लगेगी। 271AA में एक सिचुएशन और भी कवर हुई है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करा है, पर आपने रिपोर्ट नहीं करा है मतलब फेलियर हो चुका है, तो भी 2% की जो है पेनल्टी लगेगी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन की। अब सिचुएशन ये भी आ सकती है कि मैंने कोई फेलियर नहीं करा है इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को फर्निश करने में, मैंने 92D के अंडर में प्रॉपरली मैंने कंप्लायंस करा है और मेंटेन करी है इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, मैंने रिपोर्ट भी करा है ट्रांजेक्शन को, पर ये जो मैंने मेंटेन करा है और जो मैंने रिपोर्ट करा है ये मैंने इनकरेक्ट करा है, मैंने करा तो है पर ये मैंने इनकरेक्ट करा है, तो भी इस पर कोई रिलीफ नहीं है, 2% लगेगा। मतलब या तो आपने नहीं करा हो, अगर करा हो और इनकरेक्ट करा हो, दोनों सिचुएशन में आपको 2% की पेनल्टी तो लगेगी। फिर आता है सर्च के केसेस में। सर्च के केसेस में अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो 30% एंड 60% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपको पेनल्टी लगेगी, जिसके बारे में अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 271AC ये बोलता है अनअकाउंटेड इनकम जो 68 और 69D से हमको पता चलती है, तो उसमें बोला गया है वो अनअकाउंटेड इनकम अगर पता चली है तो वो अनअकाउंटेड इनकम अगर आपने रिटर्न में नहीं दिखाई है, रिटर्न में दिखा दी हो तो ठीक है, पर अगर रिटर्न में नहीं दिखाई है तो 10% लग जाएगी पेनल्टी। फिर आता है 271B। 271A है जो 44AA के अंडर में अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन एंड रिकॉर्ड नहीं करा, रिटेन नहीं करा। 44AB के अंडर में अगर हमने ऑडिट में फेलियर हो चुके हैं तो फिर 0.50% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख व्हिचएवर इज लोअर की पेनल्टी लग सकती है। एंड 271BA ट्रांसफर प्राइसिंग के रिपोर्ट अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट ही नहीं, ऑडिट ही नहीं करवाया ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो उस सिचुएशन आपको 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है 271BA के अंडर में। फिर बात आती है कि अगर आपने 269SS का कॉन्ट्रावेंशन करा है तो जितना आपने लोन और डिपॉजिट टेकन करा है या एक्सेप्ट करा है कॉन्ट्रावेंशन में, तो वो उस पर आपको उतनी ही आपको पेनल्टी लग जाएगी अगर 271D के अंडर में। फिर एक आता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 271DA, जिसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने कोई सा 269ST का फेलियर करा है, अगर आपने 269ST का कॉन्ट्रावेंशन करा है, मीन्स अगर आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रावेंशन है, आपने कैश में कुछ लिया है, तो उस सिचुएशन में आपको 271DA की पेनल्टी लग जाएगी उतने ही अमाउंट की। एंड 271E में ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने 269T का कॉन्ट्रावेंशन करा है तो जितना आपने अमाउंट कॉन्ट्रावेंशन में अगर आपने डिपॉजिट करा है या रीपे करा है 269T में, तो वो आपको पेनल्टी लग जाएगी उतनी ही। और अगर आपने फिर आती है कि SFT रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है बैंक को, तो बैंक ने अगर SFT रिपोर्ट फर्निश नहीं करी है ड्यू डेट में, तो ड्यू डेट को अगर रिपोर्ट फर्निश नहीं करी है तो बैंक को बकायदा नोटिस मिलेगा। वो नोटिस जब तक मिलेगा तब तक तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी है, पर अगर नोटिस पीरियड के अंडर भी अगर आपने फर्निश नहीं करते हो तो उसके बाद से 500 पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने SFT में रिपोर्ट फर्निश नहीं करी, वो ये तो हमने पढ़ लिया 271FA में। एक सिचुएशन आती है कि अगर आपने SFT में इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फर्निश करी तो 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने पेनल्टी के प्रोविजन कुछ पढ़े हैं। अब हम समझते हैं 271AB
सर्च के केस में अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, और जो भी चलो सर्च के केसेस में जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकली है उस पर पेनल्टी 30% कब लगेगी और 60% कब लगेगी। सर्च के केस में ये बोला गया है कि कभी सर्च के केस में अगर कोई सी अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकलती है और असेसी ने बाकायदा उसको एडमिट करा है कि ये हाँ ये मेरी ही अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसको कैसे कमाया है वो मैनर भी बताया है, उस पर टैक्स और इंटरेस्ट पे करके रिटर्न भी भर दिया है, तो उस सिचुएशन में 30% लगेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं करा है तो 60% लगेगा। तो इस तरीके से पेनल्टी के प्रोविजंस को